और अन्य प्रकार के जो जानकारियां हैं उसको विकसित करके उसको एक अच्छे नागरिक के अंदर तब्दील कर सकते। तो ये प्रेस परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता और पत्रकारिता की गुणवत्ता से ही जुड़ा हुआ है। ये 13वीं प्रेस परिषद है जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कन्वेंशनली परंपरागत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति होते हैं, जज होते हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रायः। और इनके सचिव होता है जो वो सिविल सर्विस का आदमी, सूचना सेवा का आदमी, या वहाँ से हम लोग लेते हैं जो सचिव कहलाता है। और बाकी जो इसके सदस्य होते हैं वो कुछ तो आप हम लोगों में से ही होते हैं, जैसे संपादकों में से विभिन्न जो संस्थाएं उससे ले लिए जाते हैं, 5-6 सज्जन 6 वहाँ से लिए जाते हैं, पत्रकारिता के जो और संगठन है वहाँ से कुछ 6 ले लिए जाते हैं, और पत्रकारिता में जो सोर्स ऑफ न्यूज़ की जो बड़ी एजेंसियां हैं, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऐसी जो एजेंसियां हैं उसके प्रमुख या वहां के प्रतिनिधि को वो लोग होते हैं, लोकसभा से जो आपके चुने हुए सदस्य होते हैं वो स्पीकर के प्रतिनिधि के रूप में हमारे यहाँ वो लोग रहते हैं, 3 दो लोग राज्यसभा से स्पीकर के, 3 लोकसभा से होते हैं, और राज्यसभा से 2 मनोनीत किए जाते हैं। इसी तरह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो पूरे यूनिवर्सिटी इस देश की चलाता है उसके अध्यक्ष या उनका कोई प्रतिनिधि वो भी इसका सदस्य होता है। देश की सबसे बड़ी जो न्याय की संस्था है जो वकील बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका प्रतिनिधि होता है, और साहित्य अकेडमी जो पूरे लिटरेचर हर भाषाओं के जो होते हैं वहाँ का एक प्रतिनिधि होता है। इस प्रकार 28 लोगों का ये एक समूह बनता है जो भारत की प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जागरूकता पूर्ण और कर्तव्यनिष्ठ से जो हमारी समस्या है इसकी स्वतंत्रता अक्षुण रहे और इसमें गुणवत्ता बनी रहे और उसमें निरंतर ह्रास ना हो पाए उसको बचाए रखना है, और पत्रकार को अपना कार्य निष्पादन में निरंतर कहीं अगर बाधाएं हैं, कहीं दिक्कतें हैं, या पत्रकारों से किसी को दिक्कत है या समस्या है, तो उस चीजों को आप प्रेस परिषद के द्वारा वहां पहुंच सकते हैं और उसका निदान हो सकता है। चाहे पत्रकारिता की गुणवत्ता हो, आपकी समस्याएं हो, हमारी समस्याएं हो, जनता की अगर कोई शिकायत है अखबारों के प्रति, तो वो भी जनता आम हमारे पास आती है और उस न्याय के लिए यहाँ कोशिश करती है, हम लोग मिल बैठ के उस समस्याओं का निदान करते हैं। तो ये एक वैसी संस्था है जो रिकमेंड करती है, और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में प्रेस की जो भूमिका है वो आप सब लोग जानते हैं, हम लोग उसी व्यवसाय के लोग हैं। तो अब जो यहाँ सदस्य बैठे हुए हैं उसके थोड़ा समय हमारे अध्यक्ष हैं अभी सीके प्रसाद जी, न्यायमूर्ति श्री चंद्र मौली कुमार प्रसाद जी ये वर्तमान अध्यक्ष हैं, और सचिव हैं हमारे इस प्रेस परिषद की जो सूचना सेवा भारत की होती है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, वहां से ये हमारे आजकल भवन हैं अनुपमा भटनागर जी, मैडम अनुपमा भटनागर जी, और बाकी सदस्य हैं जो हमारे वो यहाँ जो बैठे हुए हैं श्री प्रदीप जैन जी, ये छत्तीसगढ़ राज्य से हैं और वैसे तो रहने वाले उत्तर प्रदेश के, लेकिन हम वहाँ रहते हैं, वहाँ उत्तर अखबार निकालते हैं। UNIU सबसे बड़ी एक हमारी समाचार
पत्र की जो सबसे बड़ी जो सोर्स है जहाँ से हम खबरें लेते हैं ज्यादातर अखबार वाले, उसके जो प्रमुख हैं और प्रबंध निदेशक और प्रमुख और वहाँ के मुख्य संपादक श्री अशोक उपाध्याय जी, मैं रिया गुप्ता हूँ, मैं भास्कर ग्रुप का एडिटर रहा हूँ और एक्सप्रेस न्यूज सर्विस का अभी ग्रुप एडिटर हूँ। वैसे मैं बेसिकली आई वाज प्रोफेसर ऑफ जर्नलिज्म इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके अलावा ये रजा साहब हैं, रजा रिजवी साहब, और ये उत्तर प्रदेश से ही हैं, आपके अपने ही राज्य से, और ये हिंदी के अखबार के संपादक हैं। हमारे मित्र हैं एम ए मजीद साहब, मजीद साहब आंध्र प्रदेश से हैं, अभी तेलंगाना स्टेट से हैं, हैदराबाद के हैं, और इस तरह से काफ़ी अन्य लोग हैं जो अन्य राज्यों से भी हैं यहाँ। तो यहाँ पर अभी इस समय जो उपस्थित है, मैंने उनका परिचय करा दिया। और अब हमारे अध्यक्ष चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया श्री सी के प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगे, और फिर आप पहले बता देंगे, फिर इसके अलावा जब आपके कुछ सवाल होंगे तो फिर आपको। अभी आज जो कार्रवाई हुई है 2 दिन की, उसके बारे में जानकारी।